गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज परिवेश के मुताबिक मैं एक इमोशनल स्पीच देने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एक स्टेटमेंट हमारे पूर्वजों ने दिया है कि इम्पेटी वेसल्स मेक्स मच नॉइज। इसका हिंदी होता है अगजल गगरी छल कर जाए। तो जो हमारे पूर्वजों ने एक स्लोगन के रूप में, कोटेशन के रूप में जो कुछ भी लिख डाला है, ऋषि हमारे ऋषियों ने महान पुरुषों ने, वो हमारे लिए तो निश्चित रूप से एक प्रेरणादायक है ही। तो एक व्यंगात्मक ये कोटेशन है कि गगरी में जब आधा पानी रहता है या गगरी पूरी भरी नहीं रहती है, तो वह अपने महानता को साबित करने के लिए साउंड प्रोड्यूस करती, यानी पानी छलकता है। ये व्यंगात्मक है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोग अल्प जानकार होते हैं, अर्ध विद्वता से परिपूर्ण होते हैं, तो अपने महानता को साबित करने के लिए हर जगह अपने विद्वता का सार बांटते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सार बांटना एक प्रकार का एक अपने महानता को साबित करने के लिए, ये उसकी अपनी एक अविवेकपूर्णता है। जो लोग महान है, विद्वता से परिपूर्ण है, वो अपने गुणवत्ता का बखान नहीं करते हैं, उसकी बखान स्वतः हो जाती है। खासकर जो लोग अल्प जानकार होते हैं, तो अपने आप को यूनिक अद्वितीय साबित करने के लिए अपने गुणों की बखान करते हैं। ये हमारे हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों का स्टेटमेंट्स है। तो रियल स्टूडेंट्स, आज का जो परिवेश है बहुत ही एक क्रिटिकल भागदौड़ से सबों को गुजरना पड़ रहा है, और केवल जब तक हम लोग एक डीप और क्रिटिकल स्टडी हम नहीं करते हैं, जब तक आप अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते और उस लक्ष्य को साबित करने के लिए, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको अथक प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है। ये जो स्टूडेंट्स जो एज होता है, जिसको विद्यार्थी जीवन कहते हैं, वह हमारे विद्यार्थियों के मनोवृत्ति का दोष नहीं है, बल्कि इस अवस्था का ही दोष होता है कि हमारे छात्र छात्राओं की जो मानसिकताएं होती है वो अस्थायी, ये समय अवस्था का दोष है। हमारे हरिवंश राय बच्चन ने भी कहा था कि इस उम्र में तो कल्पना सब करते हैं, कल्पनावादी तो सब होते हैं, लेकिन उस कल्पनावादी को यथार्थवादी में लाने के लिए, अपने सपने को सकारात्मक करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। जब तक हम कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, जब तक हम अपने में शालीनता नहीं रखते हैं, जब तक हम अपने में धैर्यशीलता नहीं रखते हैं, जब तक अपने में रुचि और लगनशीलता नहीं रखते हैं, और विनम्रता, नम्रता और शिष्टाचार, ये तो हमारे विद्यार्थी जीवन का मूल आधार ही है। केवल उस अजल गगरी की तरह अपना अध्ययन का व्याख्यान देने से कुछ मिलने को नहीं। जब तक आप अपने अध्ययन के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, जब तक अपने लाइफ को, अपने उद्देश्य को एक उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, वही हल होती है जो बिना पतवार के नौकरी का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पूर्वज लोग कहते गए हैं,
बहुत सारे कोटेशन कर कर गए हैं, आज मैं ये इमोशनल एक स्पीच दिया ताकि ये जो अवस्था होता है वो वास्तव में चंचल होता है। अगर शिक्षक आपको एक मार्गदर्शन देते हैं लेकिन वो मार्गदर्शन एक सीमित समय तक आपके मानसिकता में भरी रहती है, उसके बाद स्वतः हुआ अपना मार्ग तैयार कर लेती है, आप उसको जाने दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जाए, ऐसा न हो, इसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। और कहा भी गया है कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि हमको ये करना ही है, तो दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। डियर ऑडियंस, थैंक यू। और ये जो हमारा इमोशनल स्पीच है, जहाँ तक संभव हो अधिकतम शेयर करने के, अपने क्लासमेटों में क्लासमेट्स को शेयर करने का प्रयास करेंगे और इसे लाइक भी करेंगे और संभवतः हो तो सब्सक्राइब भी करेंगे। और हम मान लिया जाए, ये तो इमोशनल स्पीच दिया, इसके अतिरिक्त अगर कोई किसी विषय के टॉपिक्स को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, संस्कृत, किसी टॉपिक्स के बारे में अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट्स करेंगे, उस टॉपिक्स का नाम लिखेंगे, मैं निश्चित रूप से नेक्स्ट डे अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच।